नमस्कार दोस्तों, तो जो SBI PO के जो फॉर्म हैं वह स्टार्ट हो चुके हैं और अभी इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बैक टू बैक सभी चीज़ें बताने वाला हूं, वो भी पूरी डिटेल के अंदर। तो यह वीडियो आप लोग पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वह कि यह जो फॉर्म है, यह फॉर्म 5 तारीख से यानी परसों से इस फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है या फिर बोल दीजिए ऑनलाइन जो फॉर्म भरने की जो डेट है वह स्टार्ट हो चुकी है। 5 तारीख से लेकर 25 तारीख तक इस फॉर्म की जो डेट है वह डेट के बाद में अगर मैं बात करूं तो इस फॉर्म के लिए कौन कौन एलिजिबल है और इसका क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो वही कैंडिडेट इस फॉर्म को SBI PO का जो यह फॉर्म है वही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो या फिर उनका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर यानी फाइनल ईयर चल रहा है तो भी वह कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन इसके अंदर बता रखी है कि वही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे जिनका जो ग्रेजुएशन है वह इस साल यानी दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा तो वह कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो इस फॉर्म के अंदर जो एज लिमिट बता रखी है वह 21 ईयर से लेकर 13 ईयर तक इस फॉर्म को कैंडिडेट फिल कर सकते हैं। अगर आप लोग भी 21 से लेकर 13 ईयर के बीच में हैं और आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तब आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एज की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कैटेगरी वाइज एज के अंदर छूट दे रखी है, वह आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि किसको कितनी दे रखी है एज के अंदर छूट। और इस फॉर्म की जो फीस है वह अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट रखी है, तो जो OBC और जर्नल के जो कैटेगरीज के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो फीस है वह 750 रुपये हैं और जो SC और ST के जो कैंडिडेट हैं उनकी फीस इस फॉर्म के अंदर नील है। अगर इस फॉर्म की मैं सिलेबस की बात करूं तो यह जो फॉर्म है वह 3 फेस के अंदर इनकी एग्ज़ाम होनी है। जो फर्स्ट जो फेस है वह है, उसको आप प्री एग्ज़ाम बोल सकते हैं बैंक की। इसके अंदर आपका जो सिलेबस है वह है, इसके अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। यह है जो इंग्लिश है 30 नंबर की और रीजनिंग और मैथ आती है 35-35 नंबर की। और जो टोटल जो पेपर होता है वह 1 घंटे का होता है, 100 इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर का यह पेपर होता है। और जो सेकेंड फेस की जो एग्ज़ाम है या फिर जिसे बोल दीजिए जो मेन एग्ज़ाम होती है बैंक की, वह एग्ज़ाम 3 घंटे का पेपर होता है और इसके अंदर 155 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के आते हैं और जो मेन एग्ज़ाम होती है उसमें। और इसके बाद में आप लोगों का ये 2 फेस कंप्लीट करने के बाद में जो 3रे नंबर का जो फेस आता है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का आता है, जिसके अंदर आप लोगों को 50 नंबर का यह पेपर होता है। और जो 3rd जो फेस होता है वह 50 नंबर का होता है, जिसके अंदर आप लोगों का 30 नंबर का तो इंटरव्यू होता है और 20 नंबर का आप लोगों का ग्रुप डिस्कशन होता है। तो यह जो टोटल नंबर होते हैं वह 50 नंबर का 3rd जो फेस होता है वह। और जो यह जो टोटल अगर हम बात करें तो SBI PO का जो टोटल फर्स्ट फेस का, सेकंड फेस का और 3rd फेस का जो टोटल नंबर मिला के मैं बात करूं तो यह जो पेपर होता है वह 400 नंबर का टोटल पेपर होता है। तीनों फेस कंप्लीट करने के बाद में आपका जो नाम अगर जो फाइनल सबमिशन होता है उसके अंदर जो रिजल्ट निकलता है SBI PO का, उसके अंदर आप लोगों का जो नाम आ जाता है तो आप लोगों का जो सिलेक्शन है वह SBI के अंदर हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि इस फॉर्म को मैक्सिमम आप लोग कितनी बार दे सकते हो तो वह इस फॉर्म के अंदर लिस्ट बता रखी है कि SC ST के कितनी बार दे सकते हैं, जर्नल के कितनी बार दे सकते हैं, लास्ट उतनी ही बार आप लोग इस फॉर्म को दे सकते हैं, उसके बाद में आप लोग इस फॉर्म को नहीं दे सकते हैं।
जो एग्जामिनेशन सेंटर की जो लिस्ट है स्टेट वाइज या यूटी वाइज, इसके अंदर इस लिस्ट के अंदर बता रखी है। और अगर आप लोग इस फॉर्म को ऑनलाइन भरना चाहते हैं अपने ही मोबाइल से, तो आप लोग मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। इस पोस्ट की जो सैलरी है एसबीआई पीओ की, वह 40,000 से स्टार्ट होकर 80,000 रुपये तक दे रखी है। इस फॉरम से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझे मेरे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।